नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और एक्चुअली फैक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक का क्या कहना है, क्या है रियलिटी डेरा सच्चा सौदा विद डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा की। डेरा सच्चा सौदा से सीधी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ संगीता जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, वर्किंग वुमेन हैं, इनसे जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा के बारे में। संगीता जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। राम राम सतगुरु, तेरा ही आसरा। संगीता जी, आप कितने समय से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा में? मेरे को यहाँ 20 इयर्स हो गए हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है संगीता? मेरी एमफिल बीएड है क्वालिफिकेशन। अभी करंटली क्या कर रहे हो आप? करंटली मैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हूँ, असिस्टेंट बीओ की पोस्ट पे हूँ मैं। मैम, कैसा इन्वायरमेंट लगता है आपको डेरा सच्चा सौदा संस्था का? बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ के। मतलब जितनी टेंशन्स होती है ना, सब भूल जाती हूँ मैं तो यहाँ आके। और पिताजी की रहमत है, मेरी गुड़िया छोटी है, 10 साल से मेरा बेबी नहीं हो रहा था, उन्होंने मेरे को रहमत करी और मेरे को यहीं से ही गुड़िया मिली है। तो मेरा तो अटूट विश्वास है, आज भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं यहाँ आई हूँ कि पिताजी मेरे साथ ही हैं। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता कि पिताजी यहाँ नहीं है, वहाँ है। हर कण कण में मुझे पिताजी दिखाई देते हैं। मैम, आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी यहाँ पर आपकी आस्था एक संत के ऊपर, एक संस्था के साथ क्यों? शुरू से ही, मतलब जब से छोटी थी तब से जैसे नाम लिया मैंने, धीरे धीरे यहाँ आने लगी। मन में जो भी सोचती थी वो जैसे ही पिताजी का नाम लेती थी तो वो पूरा हो जाता था। तो धीरे धीरे पिताजी के ऊपर इतना विश्वास बन गया मेरा कि आज मैं मन से जो भी इच्छा करती हूँ वो मेरी पहले ही पूरी हो जाती है। सिर्फ मैं एक नारा लगाती हूँ, धन धन सतगुरु तेरा यासरा, धन धन सतगुरु तेरा यासरा। लेकिन मैम, जो दिखाया जा रहा था यहाँ पर आने वाले लोगों को, अंधभक्त बोला जा रहा था, अनएजुकेटेड बोला जा रहा था, क्या जवाब दोगे ऐसे लोगों को? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे बात आती है सोच की। यहाँ अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हम अच्छा देखेंगे उस चीज़ में, और अगर हमारी सोच ही नेगेटिव है तो हम हर चीज़ में गलत कहेंगे उसको कि ये गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन अगर मैं औरों की नहीं अपनी बात करती हूँ तो मेरा तो अटूट विश्वास है यहाँ पे, और ऐसे ही पिताजी की रहमत मेरे ऊपर बनी रहे और पिताजी का विश्वास मेरे ऊपर बना रहे। आप किस सेफ्टी को लेकर क्या कहना चाहोगे यहाँ गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर? आश्रम में जो भी यहाँ पर प्रीमिसेस रहते हैं डेरा सच्चा सौदा के, मैं तो यहाँ आती हूँ, मैं देख रही हूँ कि यहाँ डिवाइडेशन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। और ऐसा कुछ कभी मैंने अपनी आँखों से तो देखा नहीं, लेकिन जो सुनी सुनाई बातें हैं उस पर मेरे को कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ तो मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं करता। जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं नहीं, वो तो बेबुनियाद हैं पिताजी के ऊपर। मैं तो यही कहूँगी, बाकी जो लोग कहते हैं उन्होंने अगर देखा है तो वो सामने आए, कहें, हमें बताएं, लेकिन ऐसा कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे लड़कियों की फुल सेफ्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोसाइटी के लिए गुरुजी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? सोसाइटी के लिए क्या कहें, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, लड़कियों के लिए अभी जैसे अभी यहाँ अंदर शादियाँ हुई 4-5, यानी एक विश्वास ही है कि पिताजी के आगे खड़े हैं, उन्होंने वरमाला डाल दी और हो गई हमारी शादी। तो यहाँ एक इसके साथ जो आस्था जुड़ी हुई है उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोगों का है ऐसे कि कुछ लोग गुरुद्वारे में जाके फेरे करवा लेते हैं, कुछ लोग मतलब जैसे पंडितों के द्वारा शादी करवा लेते हैं। तो ये अपना अपना हर किसी का विश्वास है, इसमें मैं तो यही कहूँगी और कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती। क्या सोसाइटी को नीड है गुरुजी की? बिल्कुल है, बिल्कुल। क्यों नीड है? क्योंकि जो काम पिताजी करवा रहे थे लड़कियों को, जो इन्होंने रखा यहाँ पे, जो जिन लड़कियों को मतलब समाज ने ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक दिया था, उन लड़कियों को यहाँ पिताजी ने अपना नाम दिया, उनको शिक्षा दी, आज वो ऐसे मुकाम पे हैं कि मतलब उन्हीं में से ही आगे निकल रही है। क्योंकि वो क्या है, पिताजी का आशीर्वाद, उनका मोटिवेशन, जिसकी आज हमें बहुत कमी है। और अगर पिताजी आज यहाँ होते तो हम मतलब हमें और भी मोटिवेट करते कि हम जो नेक भलाई कर रहे हैं उनमें कैसे बढ़ चढ़ कर आगे आ सकते हैं। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी के लिए? बिल्कुल, मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी हमारे पिताजी को भेजें यहाँ पे, ताकि वो हमारे ऊपर अपने आशीर्वाद का हाथ जैसे पहले बना हुआ था वैसे बनाए रखें, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि हमारे पिताजी को जल्दी से जल्दी भेज दें यहाँ पे। थैंक यू सो मच संगीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, लगातार वेल एजुकेटेड लड़कियां, वेल एजुकेटेड लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो करारा तमाचा मार रहे हैं, जो हेडलाइंस मीडिया के द्वारा सूत्रों के हवाले से दिखाई दी, लोगों का
आस्था, लोगों का विश्वास आज भी गुरुजी के ऊपर बरकरार है। लोग उम्मीद कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गुरुजी समाज में आने चाहिए। बता रहे हैं कि किस तरीके से गुरुजी ने कूड़ेदान में फेंकी हुई लड़कियों को भी अपने यहाँ पर जगह दी, अपनी बेटी के रूप में उन्होंने अपनाया। करोड़ों बेटियाँ आज भी उनके साथ हैं। लगातार फैक्ट आपके सामने आकर बोल रहे हैं, आखिर सच क्या है ये आप लोग सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।